वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ICAR एवं BHU पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे कि किस प्रकार ये सही है, है ना, ठीक। तो पहला आंसर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप इज, तो गंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विटेक्स नेनुगोनाडो और नेगुनाडो, दूसरा है विटिस बेनिफेरा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विटिस वेनिफेरा, है ना। तो ये मिल गया आंसर हमको, तो हमें आगे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वैज्ञानिक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें पहले में आंसर मिल जाता है, उसका सेकंड बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका पहले ही आंसर सही है, ठीक। तो थर्ड देख लेते हैं, प्रूनस डुलसिस और जुगलेंस, ये कोई है नहीं, है ना। तो अगला है इसका पहले का क्या हो जाएगा सही, दूसरा, ठीक। अगला है रेटूनिंग इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, जो रेटूनिंग होती है निम्न में किस फसल की ली जाती है। देखो पहले रेटूनिंग समझना जरूरी है कि भाई रेटूनिंग होती क्या है ना। तो रेटूनिंग क्या होती है, जब मेन फसल को काटने के बाद उसके स्टबल से रीग्रोथ होती है, उससे फसल लेना क्या कहलाता है, रेटूनिंग कहलाता है। ये प्रैक्टिस की जाती है किसमें, सुगर केन में। तो दूसरे का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, फोर्थ, चौथा, ठीक। तो रेटूनिंग जो होती है वो गन्ने की ली जाती है, ग्रेन सोरघम की नहीं ली जाती। देखो सोरघम की भी नहीं ली जाती, फिंगर मिलेट जैसे मंडुआ कहते हैं या रागी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, सनफ्लावर, सूरजमुखी की भी रेटूनिंग नहीं ली जाती। बचा क्या, सुगर केन। तो सुगर केन की ही रेटूनिंग ली जाती है, और रेटूनिंग इसमें एडवाइस दी जाती है कि भाई रेटूनिंग क्या करें, हम एक साल तक ही ले सकते हैं इसके, जैसे कि हम एक साल के बाद भी अगर रेटूनिंग लेते हैं गन्ने की, तो उसमें क्या होता है, डिजीज लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, जो शुगर की क्वालिटी होती है वो भी रिड्यूस होती रहती है ना। तो इस जो रेटूनिंग होती है गन्ने की वो एक ही साल ली जाती है, ठीक। तो दूसरे का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, फोर्थ, ठीक, ये चौथा। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ट्रिपल सुपरफास्फेट। देखो ट्रिपल यानी टीएसपी, ठीक। ट्रिपल सुपरफास्फेट में दिया है P2O5 की मात्रा कितनी होती है। देखो इसमें तीन होते हैं, सिंगल सुपरफास्फेट, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल सुपरफास्फेट में जो फास्फोरस होती है P2O5 होती है, वो होती है कितनी, इसमें दिया होगा 16% होती है, डबल में 32 होती है और ट्रिपल में 48 होती है ना। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 48। देखो जो ट्रिपल सुपरफास्फेट है ये क्या है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है ना। तो एसिडिक सॉइल में जितने वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं वो एसिडिक सॉइल में नहीं दिए जाते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक। और ये जो P2O5 है, देखो जितने फास्फोरस फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उन सभी में फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के ही रूप में फास्फोरस पाई जाती है। अगर इसके अलावा भी अगर आप पूछा जाए कि भाई उर्वरक में किस रूप में फास्फोरस पाई जाती है, तो ये जो रूप है P2O5 जो है फॉर्म है, ये फास्फोरस का बर्निंग फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं भाई, प्राइमरी आर्थोफास्फेट, सेकेंडरी आर्थोफास्फेट। तो आंसर क्या होगा, P2O5, यानी कि फास्फोरस जो है वो जितने भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर उसमें फास्फोरस किस रूप में पाई जाती है, तो P2O5। अगर इसका आंसर देखें परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो क्या होगा, थर्ड वन, ठीक। तो तीसरे का क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सॉइल दैट सैचुरेट विद मोर देन 15% एक्सचेंजेबल सोडियम दिस टर्म है, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त हो गई हो वो क्या कहलाती है ना। एक्सचेंजेबल सोडियम जिसे कहते हैं ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो ये देखेंगे भाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो 15 किसकी, 15 से अधिक किसकी है। तो पहला ऑप्शन है एल्कली, तो क्या इसकी है, बिल्कुल है। तो ESP मान जो होता है वो एल्कली सॉइल का या सोडिक सॉइल जिसे क्षारी मृदा कहा जाता है, उसकी ESP वैल्यू जो होती है वो 15 से अधिक होती है। एसिडिक सॉइल में ESP वैल्यू नहीं ली जाती, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में जितनी, जैसे सैलाइन सॉइल हो गया, सोडिक सॉइल हो गया, है ना, सैलाइन सोडिक हो गया और डिग्रेडेड सैलाइन सोडिक सॉइल, ठीक। तो ये चार मृदाएं होती, इनमें सोडियम होता है ना। तो सोडियम जिनमें ज्यादा होगा उन्हीं में देखेंगे वैल्यू। तो एसिडिक सॉइल में क्या सोडियम ज्यादा होता, सोडियम साल्ट नहीं होता है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा, एल्कली। तो जो सैलाइन सॉइल की जो ESP होती है वो लेस देन 15 होती है, ठीक। अनसैचुरेटेड सॉइल, ये कोई ये कंडीशन हो गई है, अनसैचुरेटेड सॉइल, दो कंडीशन, जैसे सैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो, बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों किसी भी पेस्ट, है ना, जैसे साल्ट हो गया या वाटर से जब भर जाते हैं दोनों, तो वो सैचुरेट कहलाती है। अगर दोनों में से कोई खाली है तो अनसैचुरेट कहलाती है, ठीक। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या सही होगा, पहला एल्कली सॉइल, ठीक है।
अगला है फॉर ए सेफ स्टोरेज ऑफ वीट इन वेयर हाउस गोदाम, ठीक। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस इन वीट इज, माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता, आर्द्रता ऐसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, नमी कितनी होनी चाहिए, ठीक, जो कि किसके आधार, वेट के आधार पे, यानी कि भार के अनुसार, ठीक है, सॉरी वेट, वेट मतलब गीले, मॉइस्चर के अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है 6 से 8, ये भी सही नहीं होगा। बी है तो जितनी देखो सीरियल हैं उनका उनका क्या होता है 10 से 12, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। सही क्या है 10 से 12%। देखो ये बात हो गई किसकी, सीरियल की, ठीक है। सीरियल में जब जब हम स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं कटाई के बाद, तो उस समय जो ग्रेन में मॉइस्चर होना चाहिए वो 10 से 12% के बीच में होना चाहिए, है ना। कुछ जैसे कि पैराबॉइल्ड राइस है, पैराबॉइल्ड राइस को भंडारित करते समय 14% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है ना। अब बात करते हैं जैसे कि पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप में भी मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है, लगभग 10%, ठीक, लगभग 10%। अगर ऑयल सीड की बात करें, तिलहनी फसलों की बात करें स्टोरेज के समय, तो लेस देन 8%, यानी 8% से जब हम भंडारण करते हैं तो मॉइस्चर जो होना चाहिए ग्रेन में ऑयल सीड का 8 से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही 10 से 12% यानी चौथा, यानी डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला है देखते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये सभी जानते हैं, कटक उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ मीथेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया, भारत में कृषि कार्य के कार्य से मीथेन उत्पन्न का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है, मीथेन किस फील्ड से निकलती है, ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो मीथेन जो CH4 होती है तो फ्रूट ऑर्चर्ड से तो निकलती नहीं है ना, तो शुगर केन भी नहीं है। थर्ड वन क्या है, राइस, ठीक। ऑप्शन क्या है इसका, 12 का सी ऑप्शन सही है, 12। अभी बता रहे हैं ये क्यों, और ये वीट भी नहीं होगा। देखो जितने वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं, वाटर लॉग्ड मतलब जलमग्न, या जहां पर पानी हमेशा भरा रहता है, तो जहां पर हमेशा पानी भरा रहेगा वहां से ऑलवेज यानी हमेशा मीथेन गैस रिलीज होती रहती है ना। तो देखा होगा धान में क्या है, हमेशा पानी भरा रहता है जब से हम रोपाई करते हैं कटाई तक, कटाई के कुछ दिन पहले तक, लगभग 10-1 हफ्ते है ना, तो उस समय तक पानी भरा रहता। तो सबसे जो एग्रीकल्चर में सबसे जो रिलीज करने वाली फील्ड क्रॉप है वो क्या है, राइस, ठीक है। तो इसी के खेत से क्या है, जो मीथेन गैस रिलीज होती है ना, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन सही, ठीक है। अगला है द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज नोन एज, जो मक्के का नर पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है ना। तो इसमें ऑप्शन है पहला कोब, कोब होगा नहीं, कोब तो क्या वही उसको फ्रूटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सेकंड है टेसल, तो ऑप्शन बी सही है इसका, टेसल है ना। और थर्ड वन है पेनिकल, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ईयर, ठीक। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, बी, ठीक। तो नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, टेसल, और निकलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी टेसलिंग, ठीक। और टेसलिंग अगर इसका मादा फीमेल पूछा जाए, फीमेल है ना, तो फीमेल होता है इसका सिल्क, ठीक। और सिल्क निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, सिल्किंग, ठीक है। और इसमें प्रोटेंडी दशा पाई जाती है, यानी कि जो मेल पार्ट होता है वो पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल बाद में होता है, ठीक है। अगला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एकर्स, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है। मान लो ओजोन लेयर जो है ऊपर, जो जैसे कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में देखो जो एटमॉस्फेयर होता है उसको 4 लेयर में बांटा गया, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और एक्सो या थर्मो, है ना। तो जो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 23 किलोमीटर ऊपर, है ना, पृथ्वी से 23, ठीक, 23 किलोमीटर पर ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर वो धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाए, तो क्या परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग, ये होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, यही सही होगा। जो अल्ट्रा वायलेट आती है तो ओजोन लेयर क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है, नीचे आने नहीं देती। जब ये लेयर खत्म हो जाएगी, परत खत्म हो जाएगी, तो जो अल्ट्रा वायलेट है वो पृथ्वी पे आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, इसका क्या है, ऑप्शन बी, ठीक। ये क्या एक्सेस रेनफॉल कोई मतलब नहीं है, एस्टिक रेन का भी कोई इससे रिलेशन नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक। अगला है साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन, तो पॉली पोगन
मोनप्लेडेंसिस है ना, ग्लाइसिन मैक्स है, पेनिकम मैक्सिमम है और सेंक्रस एलिरेस है, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन मैक्स, यानी छठवें का बी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला है फाइंड द पेयर विच सोर्स ऑफ शुगर, उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है। अब देखो भारत में किससे मुख्यतः शर्करा ली जाती है, शुगर वाली फसलें, सीधे सीधे पूछा गया है किन से शुगर ली जाती है। तो पहला वीट एंड शुगर बीट, क्या गेहूं से शुगर ली जाती है, शुगर बीट से तो ली जाती है लेकिन गेहूं से नहीं ली जाती, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है शुगर बीट एंड शुगर कैन, क्या दोनों से ली जाती है, शुगर बीट और शुगर कैन से, तो यह ऑप्शन सही है, शुगर बीट और शुगर कैन से क्या है, शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक। तो 14 का क्या हो गया, बी। तो तीसरा चौथा भी देख लेते हैं, शुगर कैन और पोटैटो है ना, तो ये क्या है, पोटैटो क्या है, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल के रूप में, तो शुगर के रूप में ये प्रयोग नहीं होता है। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, डी ऑप्शन शुगर और बनाना, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 14 का 14 का बी ऑप्शन, ठीक, दूसरा शुगर बीट और शुगर कैन। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, आई आई पी आर, ठीक, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है, कानपुर, ठीक, कल्याणपुर में भी कहाँ है, कल्याणपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 7 का पहला, ठीक। अगला है सॉइल पार्टिकल अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर, ठीक, बढ़ते क्रम में जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, मृदा कण हैं, उनको अरेंज करना है ना, तो उसमें ऑप्शन देखेंगे पहले हम, तो बढ़ते क्रम में देखना है, तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सैंड, ठीक। तो इनके पहले पार्टिकल के साइज देख लेते हैं कि भाई सैंड का कितना होता है और क्ले का कितना होता है और सिल्ट का कितना होता है। देखो सबसे बड़ा पार्टिकल जो होता है सैंड का होता है, यानी कि इसकी जो इसका जो साइज होता है 0.2 से 2 mm के बीच है ना। फिर इसके बाद आता है सिल्ट, सिल्ट का होता है 0.2 से 0.02, ठीक। और फिर इसके बाद आता है क्ले, ठीक। तो क्ले का जो साइज होता है वो होता है 0.002 से कम है ना, तो इससे कम होता है ये। तो इसको देख लेंगे सबसे छोटा क्या है, क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर क्या है, सैंड। तो इसके इसमें देख लेंगे सिल्ट, सॉरी क्ले, सिल्ट और सैंड, क्ले सिल्ट और सैंड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही, ठीक। इसमें और कोई होगा नहीं, क्योंकि क्ले क्ले के बाद इसमें दिया गया है सैंड, तो सैंड भाई सिल्ट से बड़ा होता है, तो ये होगा नहीं, इसमें भी यही कंडीशन दी है और इसमें भी दी है, तो सही क्या होगा इसका, बी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अगला है जमुनापारी एंड बर्बरी आर ब्रीड्स, अब जमुनापारी और बर्बरी किस निम्न में किसकी नस्ल है, कैटल, स्वाइन, बफेलो और गॉट है ना, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, गॉट, ठीक। तो जो जमुनापारी और बर्बरी नस्लें हैं जो किसकी हैं, बकरी की नस्लें हैं, ठीक। अगला विच क्रॉप इज नॉन टिलरिंग इन नेचर, ऐसी कौन सी फसल है इनमें जिसमें टिलरिंग नहीं पाई जाती, टिलर नहीं निकलते, यानी नॉन टिलर होता है ना। तो गेहूं, गेहूं में मैंने पढ़ा है कि भाई सीआरआई के बाद टिलरिंग आती है ना, तो इसमें टिलरिंग होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है बार्ले, बार्ले में भी टिलरिंग होती है। नेक्स्ट है पैडी, पैडी में भी टिलरिंग होती है, ठीक, यानी टिलर निकलते। तो बचा क्या, मेज, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चौथा, ठीक, मेज। तो मेज क्या है, नॉन टिलर पौधा है या इसमें टिलरिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, पोटैटो किसका रूपांतरण है। तो ऑप्शन में है लीफ का है, फ्लावर का है, रूट का है या स्टेम का है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो पोटैटो है तो अक्सर लोग क्या कर देते, रूट लगा देते हैं ना, तो इसका आंसर सही क्या होगा भाई, स्टेम है। तभी देखा होगा इसमें, देखो समझा देते हैं आपको कि देखा होगा जब आलू में जब हम अर्थिंग नहीं करते, यानी मिट्टी चढ़ाने की जो प्रोसेस है वो नहीं की जाती, ट्यूबर फॉर्मेशन पे की जाती है, जब ट्यूबर बनने लगते हैं, स्टोलन बनने लगते हैं ना, तो उस समय जब मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं तो कुछ आलू क्या है, सॉइल के बाहर आ जाते हैं। तो तेज धूप होने की वजह से, धूप के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, जो आलू का होता है, आलू जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है ना। तो इसका मतलब जब स्टेम है तभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रूट करती है नहीं करती है, है ना। तो जो उसमें क्या होता है, सॉलन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेम होता है इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फोर्थ, यानी मॉडिफाइड क्या है,
सिस्टम है, ठीक। इसका चौथा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर फोलियर एफरेज, निम्न में से किसका प्रयोग पर्डी छिड़काव के लिए किया जाता है, ठीक, किया जा सकता है, ठीक। पहला ऑप्शन है सिंगल सुपरफास्फेट, नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट, और थर्ड वन है यूरिया, और फोर्थ है म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक। तो इसमें बताना है कि किसको हम फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा दे सकते हैं, ठीक। तो आंसर ये सही हो जाएगा, यूरिया, ठीक। क्या हो जाएगा भाई, यूरिया, यूरिया। देखो अगर न्यूट्रेंट पूछा जाए आपसे कि किस न्यूट्रेंट का फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आप याद रखना नाइट्रोजन और सल्फर, ये दो ऐसे न्यूट्रेंट हैं जिनको हम फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा ही दे सकते हैं, और ज्यादा किसी को नहीं देते, ठीक है। और इसमें सुन लो, फोलियर एप्लीकेशन जब हम यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, पर्डी छिड़काव करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज याद रखनी है, होती है बायूरेट, बायूरेट की मात्रा, क्योंकि ये फसलों के लिए टॉक्सिक होता है। अगर हम देखो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं यूरिया की, तो उस समय जो बायूरेट होना चाहिए वो लेस देन 1.5% से कम होना चाहिए, कितना, 1.5% से कम होना चाहिए। अगर हम पर्डी छिड़काव करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, तो बायूरेट जो होना चाहिए वो लेस देन 0.5%, यानी 0.5 से कम होना चाहिए। अगर सेंसिटिव क्रॉप में दे रहे हैं जैसे पाइनएप्पल और सिट्रस, अगर इनमें देते हैं, तो पर्डी छिड़काव करते समय यूरियम बायूरेट इससे कम होना चाहिए, 0.25% से कम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन, ठीक। अगला है, मिल्क फीवर इन कैटल इज कॉज ड्यू टू, पशुओं में मिल्क फीवर जो होता है वो निम्न में किस कारण से होता है ना, यह रिजल्ट क्या होता है। तो जब डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम में जो है रुधिर में कैल्शियम की कमी, नेक्स्ट है फास्फोरस की कमी, अपर्याप्त चारा, और नेक्स्ट है तेज फीवर, है ना। तो मिल्क फीवर के समय क्या होता है, तेज फीवर हो जाता है, यानी तेज बुखार आ जाता है, तेज ज्वर, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। अगला है कोलेस्ट्रम, ये तो अब उसमें बताया भी था पिछले वीडियो में, है ना। कोलेस्ट्रम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ फूडर जस्ट बिफोर काविंग, है ना, बिफोर काविंग है, ऑफ, ठीक, काविंग, आफ्टर काविंग, ठीक है। ब्याज के बाद क्या है, जो पहला सिक्रीशन होता है जो अयन से, तो उसको ही बोलते हैं कोलेस्ट्रम, इसे हिंदी में कहते हैं खीस, ठीक है, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का पहला सही। अगला है गोल्डन राइस विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड रिच इन, सुनहरी चावल जो आनुवांशिक रूप से संशोधित हुआ है या होता है ना, जिसमें निम्न में से कौन सी जो विटामिन है वो कौन सी ज्यादा होती है गोल्डन राइस में, ठीक है। तो याद रखें कि कौन सी होती है, 27 में, 27 का क्या है, ए, ठीक, ए विटामिन, ठीक। पहला आंसर सही है इसका, पहला ऑप्शन, ठीक। अगला है मेंडल जो है वो किस पे स्टडी किए थे, अध्ययन किस पे किए थे, तो इसमें ड्रोसोफिला पे तो इन्होंने किया नहीं था, ना बीन्स पे किया था, ना ही काउपी पे किया था। तो आंसर क्या होगा इसका, पी। इसमें भी अगर आपको दिया जाता है पी में, कौन सी पी, फील्ड पी, दाल वाली या सब्जी वाली, वेजिटेबल, है ना। तो दो होती है, फील्ड और गार्डन, तो इन्होंने गार्डन पी पे किया था, गार्डन पी, ठीक, जो हम लोग ग्रीन मटर के रूप में जो प्रयोग करते हैं उस पे इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक। अगला है, तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। अगला है एनडीआरआई कहाँ स्थित है, तो सभी जानते हैं एनडीआरआई जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हरियाणा, डी ऑप्शन, ठीक, डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर क्रॉप्स फिक्स द नाइट्रोजन, निम्न में कौन सी फसल जो है वो नाइट्रोजन को संचित करती है या स्थिरीकरण करती है। स्थिरीकरण का मतलब होता है जो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उसको सॉइल में स्थिरीकरण करना, है ना, या अवेलेबल फॉर्म में लाना उसको, ठीक है। तो ऐसे कि डायरेक्ट तो यूज कर नहीं लेता प्लांट, है ना, तो पहले इनऑर्गेनिक करता है, फिर प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें कौन सी ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, तो हम देखेंगे भाई जितनी लेग्यूम फसलें होती हैं, है ना, वो सभी, या लेग्यूमिनेसी, ठीक, वो सभी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, स्थिरीकरण करती है। तो बरसीम क्या है, लेग्यूम है, बिल्कुल है, लेग्यूमिनेसी का है, तो ये सही हो गया। आगे भी देख लेंगे, ओएट क्या, जई एक सीरियल क्रॉप है जो कि ग्रेमनी कुल का है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगी। सोरघम भी सीरियल है भाई, ये भी ग्रेमनी का है। अगला है बाजरा, ये भी ग्रेमनी का है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का पहला सही, ठीक, बरसीम।
अगला है, और देखो नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है बैक्टीरिया उसका नाम है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ट्राइफोलाई या इसके रूट में भी ये पाया जाता है। ठीक, अगला है लाइट ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ, निम्न में संग्रह करने के लिए, किस इंसेक्ट को संग्रह करने के लिए प्रकाश ट्रैप है ना, ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट या जियोट्रॉपिज्म इंसेक्ट या हाइड्रोट्रॉपिक है ना। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऐसे इंसेक्ट जो प्रकाश में रहते हो है ना, अंधेरे में या प्रकाश की तरफ निकलते हो, प्रकाश में निकलते हो, जैसे दिन में निकलते हो रात में ना निकलते हो है ना। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है दिन में ना निकलते हो रात में निकलते हो है ना। तो इसमें पूछा लाइट ट्रैप्स का, ठीक है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक इसका आंसर सही हो जाएगा बी है ना, या नॉक्टर्नल हैबिट। जितने देखो मॉथ्स होते हैं, मॉथ सलब जिसे नीम कहते हैं सलब, वो सभी नॉक्टर्नल हैबिट के होते हैं, रात्रिचर होते हैं या कह सकते हो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट होते हैं। तो इन्हीं को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही। ठीक, अगला है रानीखेत, रानीखेत जो रोग है, रानीखेत डिजीज अफेक्ट, रानीखेत निम्न में किसको प्रभावित करता है, रानीखेत जो रोग है वो निम्न में किसका है, ठीक, कैटल का है, पिग का है या फिश का है, पोल्ट्री का है। तो हम सभी जानते हैं भाई रानीखेत जो रोग लगता है वो किसमें लगता है, पोल्ट्री में। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, चौथा। अगला है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी सिस्टम, स्व अनिश्चितता तंत्र में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है या पॉलिन फॉर्म जो परागण होते हैं उसका निर्माण नहीं होता है, या पॉलिन डू नॉट जर्मिनेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन, या ये होता है, या डी ऑप्शन है पॉलिन्स आर स्टराइल। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पॉलिन्स डू नॉट जर्मिनेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के समय जो है वो जो हमारे परागकण हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। ठीक, अगला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले वाले में मैंने दिया था, ये देख लो, फर्स्ट क्लोन डॉली वाज मेड, किस पे जो क्लोन है वो सबसे पहले किस पे बनाया गया है, तो क्या है इसका सही, सीप, ठीक है, भेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बैलेंस्ड राशन है ना, संतुलित राशन ऑफ, बैलेंस्ड राशन ऑफ एनिमल इज अमाउंट ऑफ फीड, ठीक है, पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न में मात्रा से है, विच सप्लाइड, ऐसा ऐसी जो 24 घंटे में दिया जाता है ऐसा राशन वो है उसको कहते हैं बैलेंस राशन, या विच हैज करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द फीड न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड इन 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारा पोषकों का सही अनुपात हो। अगला है जिसमें 24 घंटे में उपलब्ध कराया गया हो है ना, विच कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अगला है विच इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन 24 आवर है ना, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, क्या सही होगा, बी ऑप्शन। देखो इसमें जो न्यूट्रिएंट बैलेंस राशन में जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो प्रोपोर्शन एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कम हो कोई ज़्यादा हो है ना, कम ज़्यादा होगा तो उसको बैलेंस नहीं कहेंगे। ठीक, एक निश्चित अनुपात में पोषक तत्वों को दिया जाता है, ऐसा फीड जिसमें निश्चित अनुपात में पोषक तत्वों को दिया जाता है उसी को बैलेंस राशन हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। अगला है इन ऑनियन स्मेल अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति से जो है वो इसमें खुशबू या बदबू आती, जो भी महक है किसकी वजह से आती है, तो इसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है जिसे कहते हैं एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, पहला। ठीक, पहला, ठीक है। अगला है जितने लहसुन और प्याज दोनों में सल्फर यौगिक पाया जाता है, ठीक है। अगला है हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, बनारस। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है पे, बनारस। अगला है अमोंग द एग्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल्स मैक्सिमम मिल्क इज प्रोड्यूस बाई, पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध निम्न में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसकी इल्ड ज़्यादा है ना, तो होलस्टीन फ्रीजियन जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, होलस्टीन फ्रीजियन ये विदेशी नस्ल है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, चौथा। अगला है मेरिनो, मेरिनो किसकी ब्रीड है, ठीक है, मेरिनो जो है वो किसकी है, भेड़। ठीक है, इसका आंसर क्या है, दूसरा।
अगला है टीडीएन का पूरा नाम, टीडीएन पूछा है। पहला ऑप्शन है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, टोटल ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट, चौथा है टोटल डाइटरी न्यूट्रिएंट्स या ट्रांस डाइटरी न्यूट्रिएंट। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है, या डाइजेस्टिव भी दिया जाएगा तब भी सही आ जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक। अगला है सुगर कैन क्रॉप्स रिक्वायर वाटर डिमांड, जो गन्ने की जो फसल है हमारी उसकी जल मांग कितनी है। तो जल मांग इसकी लगभग होती 2000 से 2500, तभी इसको वाटर गजलिंग क्रॉप भी कहा जाता था, वाटर गजलिंग क्रॉप, ठीक। तो वाटर गजलिंग क्रॉप में दो आ जाती हैं, पहली सुगर कैन है, दूसरी राइस है, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर एग्रीकल्चर में जितना वाटर यूज होता है उसका लगभग 60 से 70% यही दो फसलें यूज कर लेती हैं, सुगर कैन और राइस, है ना। तो सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है सुगर कैन की, उसके बाद आ जाता है आपका राइस। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीरियल क्रॉप, निम्न में खाद्यान्न फसल कौन नहीं अनाज वाली। तो राइस अनाज वाली है, बिल्कुल सही है। मेज मक्का जिसे कहते हैं ना, तो मक्का भी है, वीट ये भी है, चिकपी ये नहीं है, है ना। तो ये क्या है, पल्स क्रॉप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो निम्न में खाद्यान्न पूछा था कि खाद्यान्न नहीं है, तो बाकी तीन है, एक नहीं है, तो चिकपी क्या है, पल्स क्रॉप है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, चिकपी चौथा। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप, निम्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो क्रॉप है वो नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल में नहीं उगाई जाती। तो राइस है आपका, ज्वार है ना, सुगर कैन है और कॉटन है, तो इसमें कॉटन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉटन, बाकी सब क्या है, ट्रॉपिकल है, ठीक। अगला है विच इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित नहीं है, है ना, ट्रेड स्टेज, बाकी सब है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग, निम्नलिखित में से गलत क्या है, ठीक। तो हम देखेंगे, तो इसमें दिया है कि भाई जो सन दी है बीसी, जैसे बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट पहले बीसी चलता था, है ना, ठीक है। तो इसमें दिया है कि किस बीसी में किसकी शुरुआत हुई है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, 8700 BC में भेड़ की क्या शुरुआत हुई है, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था भेड़ का, बिल्कुल सही है। 3400 BC में क्या, वीट व्हील है ना, व्हील इन्वेंट कर लिया गया था, ये भी सही बात है। और ये दिया है 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस, ये थोड़ा गलत है, इसमें 2200 है ना, और 2400 में क्या है, पपाया है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है ना। अगला है मैच करना है लिस्ट वन को सेकंड से, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसमें टर्म्स या कंडीशन नहीं दी जाती किस बेस पे दिया है ना, तो हमको समझना रहता है किस बेस पे हमको इसको मैच करना है, ठीक। तो एग्रीकल्चर क्या ग्रीक भाषा, किस भाषा का शब्द है, सभी जानते हैं लैटिन का है, तो पहले का क्या हो गया, सेकंड, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये एलिमिनेट अपने आप होगा, ये इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड में देख लें, एग्रीकल्चर के फादर कौन है, देखो इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत है, एग्रीकल्चर के कोई फादर नहीं, अगर इसमें हमको ऐसा देखने को मिलता है ना, तो इसका स्टाउट हो जाएगा, ठीक। तो बी का क्या है, चौथा, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये दो ऑप्शन, ये पहले ही हो गया था एलिमिनेट, ये अभी एलिमिनेट हो गया। फिर है एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, तो थर्ड का क्या है, वन, तो थर्ड का वन देख लो, गलत लगा इसमें, देखो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, तो हम ऐसे बता देते हैं, समझ लेना। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, अगर ऐसे पूछा जाए एग्रीकल्चर के फादर कौन है, तो स्टाउट कह सकते हो, वैसे एग्रीकल्चर का फादर कोई नहीं है, ठीक है। एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, मानसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड से लिए गए, है ना। तो इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी, समस्या इसमें है ना, उसको देख लेंगे हम, ठीक। तो आंसर इसके ये सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सी का पहला, हाँ ठीक है, इसका बी दिया है, ठीक, ये सही हो गया इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कवर क्रॉप, निम्न में कवर क्रॉप का कौन सा उदाहरण है ना। तो कवर क्रॉप के रूप में जो फसल हमारी बड़ी होगी है ना, उसी को प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है जानवर न देख पाए, या जानवरों की वजह से हम कवर क्रॉप या फेंसिंग लगाते हैं ना,
तो इसमें देखेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे, कवर क्रॉप राइस तो प्रयोग करते नहीं, ना ही वीट करते, ना ही मूंगफली करते हैं, इसको हम मक्के को कवर क्रॉप के रूप में चारों तरफ मेन फसल के चारों तरफ लगा सकते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 48 का पहला। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, निम्न में सत्य कौन सा है। ठीक, तो इसमें देखो सबके उपनाम दिए हैं, हर फैमिली का दूसरा नाम दिया है। ठीक, तो ग्रैमनी को फेवेसी कहते हैं, इसमें ट्रू पूछा है। ठीक, तो ये तो गलत है भाई, ट्रू तो है ही नहीं। ग्रैमनी को क्या कहते हैं, पोएसी। कंपोजिटी को क्या, एस्ट्रेसी कहते हैं, ये सही है, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी कहा जाता है। अब थियेसी, ये नाइट सेट्स दिया है ना, क्रूसीफेरी पोएसी, ये भी गलत है। तो सही क्या है, बी ऑप्शन, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी कहा जाता है, इसमें दिया था किसमें ट्रू है। बाकी ये तीन क्या है, ऑप्शन गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सही है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, गोल्डन फाइबर, ये गोल्डन है, गोल्डन लिखा है, गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, येलो ज्वेल सोयाबीन, वेजिटेबल मीट पोटैटो, या वाइट गोल्ड, ठीक है, कॉटन। इसमें देख, इसमें बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है। क्या गोल्डन फाइबर, जूट के फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। येलो ज्वेल सोयाबीन को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे गोल्डन बीन भी कहा जाता है, सोयाबीन को गोल्डन बीन या बोनलेस मीट, है ना, ये इसी के नाम है, गोल्डन बीन, येलो ज्वेल और बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस। ठीक, अगला है व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना, कपास के रेशे क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है वेजिटेबल मीट, पोटैटो क्या वेजिटेबल मीट कहा जाता है, नहीं, वो वेजिटेबल जो मीट होती है वो मशरूम होती है। देखो इसमें कंफ्यूज थोड़ा मत होना, क्योंकि इसको बोनलेस मीट कहा जाता है, हड्डी रहित मांस, और इसको वेजिटेबल मीट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चौथा सही, डी। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए रेनफेड क्रॉप, है ना, रेनफेड कौन सी, जो वर्षा पे आधारित है ना, हो गया कवर, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रेनफेड, रेनफेड रेंटेड लिखा है ना, रेनफेड है, एफ है, एफ। ठीक है, निम्न में वर्षा पे आधारित कौन सी, जो देखो खरीफ सीजन में उगाई जाएगी वो वर्षा पे आधारित होगी। ठीक है, तो इसमें मेनली ये क्या है, वर्षा पे आधारित है, क्योंकि इसको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वर्षा पे आधारित क्या है, हम इसको उगा नहीं सकते। पपाया फ्रूट क्रॉप है, ये भी क्या है, इसमें भी इरिगेशन है, सही स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा बनाना। तो मूंग हो सकता है ना, मूंग क्या है, खरीफ में भी उगाया जाता है, मेनली खरीफ में, है ना, और जायद में भी इसको हम उगा सकते हैं। तो जो फसलें देखो खरीफ सीजन में उगाई जाती है, वो सभी वर्षा पे आधारित रहती हैं। क्यों, क्योंकि खरीफ सीजन से ही साउथ वेस्ट मानसून शुरू होता है। जैसे साउथ वेस्ट मानसून का जो ड्यूरेशन है वो जून से सितंबर है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो जो फसलें इस बीच में उगाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वर्षा पे आधारित या रेनफेड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही। अगला है, विच स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज नोन एज सोयाबीन प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन की संरचना प्रोटीन को क्या कहा जाता है ना, जिसका क्या हो जाएगा, कोलेगन, ये होगा नहीं, ग्लाइसिनिन, हाँ ये ऑप्शन इसका सही है, ओराइजिन राइस की होती है, ग्लूटेन किसकी होती है, वीट, है ना। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड, दूसरा। ठीक, अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक, निम्न में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी है ना, तो इसमें हम खरीफ चूज कर लेंगे भाई, खरीफ कौन सी है। ठीक है, बाकी ये रबी है, ये है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक, शॉर्ट डे क्रॉप। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही, बी। अगला है, विच वन इज रॉन्ग मैच, निम्न में असत्य मैच कौन सा है, है ना, सही तीन सही होंगे, गलत होगा इसमें। तो पहले देख लेंगे क्या राइस के इनफ्लोर, मैंने क्या बताया था, किसी भी रिस्पेक्ट में मान लो नहीं दिया जाता है कि क्या पूछा गया है ना, तो हमें समझ के करना है कि इसमें क्या मैच है, कैसे मैच किया गया है। तो पेनिकल क्या होता है, राइस के इनफ्लोरोसेंस को क्या है, पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, पेनिकल बोला जाता है। तो ये सही बात है, ये सही हो गया। और स्पाइक, स्पाइक जो होता है वो किस किस के बोला जाता है, वीट एंड बार्ले, ये भी सही बात है। हेड तो सोरगम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, हेड। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी जो होता है जैसे शुगर केन के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, एरो। तो ये गलत है, यानी कि तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चौथा।
ठीक। अगला है द क्रॉप विच इज रिलेटेड टू खरीफ सीजन, निम्न में खरीफ सीजन से कौन सी फसल रिलेटेड है, ठीक है। तो मस्टर्ड क्या है, रबी सीजन में उगाया जाता है भाई, कॉटन ये खरीफ का है, ठीक। क्या हो जाएगा, कॉटन। बरसीम भी रबी में उगाया जाता है, पंपकिन क्या है, जायद का है मेनली, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला है इफ रेन इज 1500 to 1700 mm देन इन विच क्लाइमेट इज रीजन इज कैप्ट, यदि बारिश 500 से 700 mm तक उपलब्ध होती है तो किस जलवायु क्षेत्र में रखा जाएगा। देखो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, तीन होते हैं, पहला ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, एक होता है रेनफेड फार्मिंग। अभी बताया था वर्षा पे आधारित, या रेनफेड जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। ड्राई फार्मिंग होता है जहां पर वर्षा 750 mm से कम होती है, उसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग। तो इसके अंतर्गत आ जाता है क्या, जितने एरिड रीजन है, शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र है, वो सभी आ जाते हैं किसमें, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत। और ड्राई लैंड फार्मिंग होता है जहां पर वर्षा 750 से 1150 mm के बीच में होती है, उसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज। और यहां पर जो एरिया, जो क्षेत्र आते हैं, वो आते हैं सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, यहां पे यानी कि बहुत कम सूखा पड़ती है। और रेनफेड होता है जहां पर 1150 mm से अधिक वर्षा होती है, इसमें आ जाते हैं आपके ह्यूमिड और सब ह्यूमिड। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, एरिड, क्यों, क्योंकि 750 से कम है तो उसमें सभी एरिड आ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 43 का पहला, ठीक है, ए। अगला है कितने, सर 50 हो गए ना, ठीक है। तो ये लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे कि ये बताई दिया है, ठीक।